Hey guys, my name is Gaurav and welcome back to the channel. Guys, ये वीडियो डेडिकेट है पूरी दिल्ली पुलिस AWO एंड TPO के लिए, इट मीन्स वायरलेस ऑपरेटर के लिए। अगर आप ड्राइवर की कांस्टेबल की जो भर्ती है उसके अंदर अभी आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मैंने वीडियो बना के पोस्ट कर दी है जस्ट कुछ देर पहले ही, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वीडियो देखिए और उसके लिए भी आप डिटेल देख सकते हैं। ये वीडियो जो होने वाली है बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ वायरलेस ऑपरेटर के बारे में कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, आपका एग्ज़ाम सिलेबस क्या आएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कहाँ कहाँ से आपको होकर गुजरना पड़ेगा एक सिलेक्शन लेने के लिए, एज क्राइटेरिया क्या होगा, आपका कब से अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, फॉर्म फ़ी क्या रहने वाली है और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। इट मीन्स आपको मतलब इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंटरेस्ट रखते हैं इस वैकेंसी के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नया है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और बेल आइकन भी प्रेस करो। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, मैं आपसे अगर बात करना चाहूँ इस SSC दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एंड टेली प्रिंटर ऑपरेटर के बारे में, AWO एंड TPO के बारे में। काफ़ी टाइम से इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे स्टूडेंट्स की, ये वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस में इतना मतलब इतनी क्वांटिटी में हायर करना बहुत बड़ी बात है। अब बहुत टाइम से मतलब दिल्ली पुलिस के अंदर वैकेंसीज नहीं आती थी, अब रेगुलरली इसके अंदर वैकेंसी आई। अभी लास्ट मंथ हेड कांस्टेबल बन क्लोज हुए हैं, उसके बाद टेली ऑपरेटर की आ गई, फिर कांस्टेबल की साथ में आ गई, फिर आने कांस्टेबल ड्राइवर की आ गई, फिर आने वाले टाइम में अब कांस्टेबल की भी आने वाली है, तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो अपडेट रहो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में बेसिकली डिटेल के अंदर। आपकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है गाइस, वो हुई है 8th of July से। आप 8th of July से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं और जो इसकी लास्ट डेट है गाइस वो है 29th of July। तो 29th of July तक आप लास्ट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी शाम 5 बजे तक। फ़ी पे करने की जो डेट है वो भी 29th of July है। अगर फ़ी की बात कर ही रहा हूँ मैं तो आप बात कर लेता हूँ आपसे, जो आपको फ़ी पे करनी है वो कितनी करनी होगी। जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी जो फ़ी पे करनी है वो है 100 रुपीज़। ST SC के लिए फ़ी निल है। फीमेल कैंडिडेट के लिए फ़ी एग्जम्प्टेड है, उनको कोई फ़ी पे नहीं करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई करेक्शन करते हैं तो यू हैव टू पे 200 रुपीज़। अगर आप सेकेंड टाइम दोबारा से कोई करेक्शन करते हैं देन यू हैव टू पे 500 रुपीज़। तो एक ही बारी में फॉर्म अच्छे से भरिएगा। अगर आपको नहीं भरना आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे कि सर एक वीडियो बना दीजिए, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको जानता नहीं हूँ लेकिन आप तो मुझे जानते हो ना, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो डेडिकेटेड वीडियो डेडिकेट कर दूँगा। बात करते हैं इसके एग्ज़ाम के बारे में। तो जो गाइस इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो कंडक्ट होगा अक्टूबर 2022 के अंदर। अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो देरी मत करें, 2 महीने का आपके पास समय, 2 से 2.5 महीने का, मतलब 2 महीने ही बोल सकता हूँ मैं तो। खैर, अगर जुलाई को भी मिला हूँ तो बहुत कम टाइम है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने तैयारी शुरू कर रहे हो तो आप थोड़ा सा हार्डवर्क कीजिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी एज क्राइटेरिया के बारे में गाइस। जो इसका एज क्राइटेरिया रखा गया है वो है 18 साल मिनिमम एंड द मैक्सिमम जो रखा गया है वो है 25 ईयर्स। 25 साल इसकी मैक्सिमम एज है, 18 साल इसकी मिनिमम है। और जो लोग कास्ट से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा एज के अंदर, OBC वालों को 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं भैया इसकी वैकेंसी के बारे में। हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है जो कि AWO एंड TPO की ये वैकेंसी है। अगर मैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे बात करूं तो गाइस एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 इसके अंदर आपको चाहिए विद साइंस एंड मैथमेटिक्स। आप मतलब आप जो मैं आपको बताऊं कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं होने चाहिए और ना ही आप आर्ट्स के स्टूडेंट होने चाहिए, आप जो होने चाहिए स्टूडेंट गाइस वो होने चाहिए साइंस के स्टूडेंट। पास 10+2 सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड विद साइंस एंड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, मतलब 12th क्लास में आपके पास साइंस और मैथ्स होनी ही चाहिए, या फिर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC इन ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में इसके बाद आपका मतलब इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो गाइस इसके अंदर एक प्रोफेशनल अटेनमेंट भी दिया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कंप्यूटर ऑपरेशन क्वालिफाइंग इन नेचर, टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड 1000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स। तो आप इसको डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर मिनट में क्या आपको की चाहिए। यहाँ पे टेस्ट ऑफ बेसिक
कंप्यूटर फंक्शन, मतलब आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, जैसे एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट वगैरह, थोड़ा बहुत आपको बेसिक यहाँ पे आना चाहिए, जो कि आपका इसके अंदर स्किल टेस्ट होगा। चलिए बात करते हैं बेसिकली इस एग्ज़ाम के बारे में। गाइज, ये टेली ऑपरेटर की जॉब होती है, आपको कंप्यूटर पे बैठ के काम करना होता है। नॉर्मल मैं आपको समझाता हूँ, आपको पता होगा 100 नंबर एक पीसीआर, एक पीसीआर पे जब आपको कॉल रिसीव होती है, जैसे मान लो आप कहीं कंप्लेन करते हो, आप फ़ोन करते हो 100 नंबर पे, या किसी भी पे कॉल करते हो आप पुलिस के पास, तो वो डायरेक्ट थाने में नहीं मिलता, वो डायरेक्ट मिलता है आपका पीसीआर के अंदर। तो जो वो ऑपरेटर्स होते हैं, टेली ऑपरेटर, टेली प्रिंट ऑपरेटर या फिर AW हो गए, तो वो उनके पास ही जाके फ़ोन मिलता है, और वो आगे कंप्लेंट आपकी फॉरवर्ड करते हैं आपके नियर बाय थाने में, फिर पुलिस वाले आपके घर आते हैं, उसकी छानबीन करते हैं। तो गाइज, ये पोस्ट है आपकी इसके लिए। और गाइज, अगर मैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपसे बात करूँ, तो बेसिकली आपका एक एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद जो आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, नेक्स्ट आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसके बारे में मैंने आपके कंप्यूटर के बारे में बताया। अब बात करते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में, जो कि सिलेबस होगा इसका, सिलेबस कंडक्ट होगा। जो गाइस सिलेबस है इसका मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि CBT एग्ज़ाम अक्टूबर में क्या आने वाला है। जर्नल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जर्नल साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो आपसे उस कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो होंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और उसमें से आपकी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ होगी। फिजिकल टेस्ट आपका क्वालिफाई नेचर है, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आगे आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आने लगता है। और गाइज, अगर मैं आपसे इसके फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में बात करूँ, जो मेल कैटेगरी के लिए हाइट चाहिए वो है 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैटेगरी के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट मांगी गई है फॉर मेल कैटेगरी 78-82 और फीमेल कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल है। रेस यहाँ पे आपको 1600 मीटर की रेस करनी है, जो कि 7 मिनट में आप करोगे। उसके बाद 800 मीटर की आपको रेस करनी है, जो कि आप 5 मिनट्स में करोगे फॉर फीमेल कैटेगरी। ये 1600 मीटर फॉर मेल कैटेगरी, 800 मीटर फॉर फीमेल कैटेगरी। लॉन्ग जंप फॉर मेल कैटेगरी 12 फीट 6 इंच, हाई जंप इज़ 3 फीट 6 इंच, एंड फीमेल कैटेगरी के लिए 9 फीट की है और 3 फीट की आपकी हाई जंप है, 9 फीट की आपकी लॉन्ग जंप है। तो ये सारा फिजिकल एंड्योरेंस आपका टेस्ट होगा, अगर आप CBT में क्वालिफाई हो जाते हो तब आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सो सिलेक्शन जो प्रोसेस रहने वाला है गाइज, वो बेसिकली इसका पहले CBT टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आएगी, उसके बाद आपका जाके सिलेक्शन होगा इस पोस्ट पर। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप अप्लाई करना शुरू करिए। मैं नहीं चाहता कि अगर आप, हाँ अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है, डेफिनेटली आपके पास 10+2 के अंदर मैथमेटिक्स या साइंस थी या फिर NTC का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप अप्लाई ज़रूर करिए, तैयारी करिए इसकी अच्छे से। आप इसको बुक, इसकी जो बुक आती है AWO TPO की, उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको बाय करनी है, प्रीवियस ईयर हो गया, प्रैक्टिस सेट्स हो गए, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप एक ड्राइवर कॉन्स्टेबल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बना दी है, सुबह ही अपलोड करी है, आप देख सकते हैं, मैंने लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी भी आप नॉलेज ले सकते हैं। अगर आप 10th पास है तो उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई साइंस रिक्वायरमेंट उसमें नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, और ऐसी वीडियोस अगर आप और चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इंटरेस्ट है आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल कलर का बटन होगा, उसे आप प्रेस कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन में मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।